हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। और आज निधि के किचन में थोड़ा साउथ इंडियन तड़का लगाते हैं। जी हाँ फ्रेंड, ये केरला स्टाइल काले चने की चना करी है, जिसको हम पुट्टू के साथ सर्व करते हैं। बट पुट्टू बनाना इतना इजी नहीं होता है, इसलिए मैंने स्टीम राइस को ही थोड़ा सिलेंड्रिकल शेप दे दिया कि थोड़ा लुक अच्छा लगे, और इसको सर्व किया चना करी के साथ। तो अपनी रेसिपी की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम मसाला तैयार कर लेते हैं। मसाला तैयार करने के लिए मैंने मस्टर्ड ऑयल का यूज़ किया है। ऑथेंटिकली इसमें कोकोनट ऑयल यूज़ करते हैं, इसलिए मैंने 3 सूखी लाल मिर्च ले ली, थोड़ा कढ़ी पत्ता ले लिया, 6 लहसुन की कलियाँ, 1/2 इंच से थोड़ा छोटा टुकड़ा अदरक का ले लिया। जब थोड़ा वो 2 मिनट भून गया तो मैंने डाल दिया 1 मीडियम साइज़ का प्याज। प्याज को अच्छे से ब्राउन कर लिया। जब प्याज अच्छे से ब्राउन हो गया तो डाल दिया मैंने 1 बड़ा टमाटर। टमाटर भी जब अच्छे से भुन गया था, उसके बाद मैंने 1 कप डेडिकेटेड कोकोनट, ये फ्रेश कोकोनट था, कड़ी का भूरा नहीं था, ये फ्रेश कोकोनट था उसको। और अच्छे से ब्राउन कलर आने तक सब मसालों को भूनने के बाद थोड़ा सा गरम मसाला, हल्दी, नमक, ये घर का बना हुआ मसाला था, इसमें सब कुछ होता है। उसका जब मसाला अच्छे से भुन जाएगा और ठंडा हो जाएगा तो इसका एक फाइन सा पेस्ट तैयार कर लेंगे हम। थोड़ा सा पानी डाल के, मैंने ठंडे पानी का यूज़ किया था। फिर पैन में फिर से मस्टर्ड ऑयल ले लेंगे और थोड़ा राई या काला सरसों आपके पास हो, 2-3 सूखी लाल मिर्च और कड़ी पत्ता डाल देंगे। जब राई अच्छे से तड़क जाएगा तो अपना तैयार किया हुआ मसाला डाल के अच्छे से ये तेल जब तक मसाला छोड़ना दे तब तक इसको ढक के पकाएंगे 5 मिनट। मैक्सिमम 5 मिनट लगा था धीमी आंच पे। ये देखिए कैसे कोरमा बाहर आ गया मसाले में से। ये इंडिकेशन है कि हमारा मसाला अच्छे से रेडी हो चुका है, एक अच्छे से खुशबू आएगी। अब क्या करेंगे ना, हम उबला हुआ चना अपना डाल देंगे। देखिए मैंने 1 कप चना लिया था, उसमें 1 मीडियम साइज से भी छोटा प्याज डाल के और 2-3 हरी मिर्च डाल के चने को अच्छे से 3-4 सीटी आने तक नमक डाल के उबाल लिया था। ये देखिए आप कंसिस्टेंसी देख लीजिएगा, ये थोड़ा गाढ़ी ही अच्छी लगती है, बहुत रनी इसकी ग्रेवी बिल्कुल नहीं अच्छी लगती। और ये हमारा चना करी रेडी हो चुका है। और ये हमारी साउथ इंडियन स्टाइल यानी कि केरला स्टाइल चना करी रेडी है। इसे तो गर्मा गर्म पुट्टू के साथ ही सर्व किया जाता है, बट आप गर्मा गर्म चावल के साथ खाइए और ये बहुत ही टेस्टी लगता है। आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करिए। बाय बाय, टेक केयर एंड प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।